नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली गए हैं, तो आप किस तरह से देखते हैं कि कांग्रेस के अंदरूनी? देखो, कांग्रेस को 4.5 साल हो गए इनकी सरकार बने को, लेकिन इनको लोगों की तो कुछ नहीं पड़ी, अपनी लगी हुई है कि हाँ जी अपनी कुर्सी बचानी है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उसका दावेदार कौन बनेगा, और ये कांग्रेस का प्रधान कौन बनेगा, इनको इन चीज़ों की पड़ी है। कभी दिल्ली जाते हैं, कभी ये हमारे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ये लंच पर बुलाते हैं सारे MLAs को, कभी किसी को कोई लालच दिया जाता है MLA को, कभी कोई, तो इनको लोगों की कुछ नहीं पड़ी। चाहे कोई भी मुद्दा हो, बेरोजगारी का हो, किसानों का हो, नशे का हो, आज तक कुछ भी नहीं किया, लेकिन आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। और सिद्धू जी रोज ट्वीट करते हैं, आप देखेंगे अभी प्रधान बना दिया, करते हैं या नहीं करते, या अभी बस ठीक है उनका सेटिस्फाई हो गया, अभी करेंगे या नहीं करेंगे, अब तो फ्यूचर, ये चीज़ तो चलो फ्यूचर में पड़ी है, लेकिन अपना ही पड़ा है, पंजाब का कुछ भी नहीं है इनको। जैसे कल नवजोत सिंह सिद्धू की खबरें आई कि उन्हें प्रधान बनाया जा सकता है, उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू कुछ मंत्रियों के साथ बैठक करते हैं, कैप्टन एक तरफ बैठक करते हैं, तो किस तरह से देखते हैं आप? देखो, मैंने जो पहले भी कहा कि इन लोगों को सिर्फ अपनी पड़ी है, कोई पंजाब की नहीं है। पंजाब के लिए अगर इतनी मीटिंग्स कर लेते ना, शायद पंजाब का नक्शा ही बदल जाता। अगर इतनी मीटिंग पंजाब के जो मुद्दे हैं, जो वादे इन्होंने किए थे आज से 4.5 साल पहले, इलेक्शंस के पहले किए थे, अगर इतनी मीटिंग्स लोगों के लिए कर लेते तो शायद आज कुछ बन जाता, लोगों में भी इनका कुछ अच्छा रिस्पॉन्स होता। लेकिन अभी लोग तो इनका विरोध कर रहे हैं कि भाई आपने क्या किया, आपने घर घर नौकरी दे दी, आप तो कह रहे थे कि जे हम थर्मल चलता रखेंगे बठिंडे वाला, वो चल रहा है, और हम बिजली सस्ती देंगे, हम आपको मुफ्त देंगे बिजली, जा पानी का हो गया, कुछ शिक्षा का नहीं किया, कुछ हेल्थ का नहीं किया, और लोगों का कुछ नहीं किया, अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं। ये कि जितनी मर्जी मीटिंग कर लो, देखो ये तो स्पष्ट है ना, अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी अलग से कर रहे हैं, सिद्धू जी अलग से कर रहे हैं, ये तो स्पष्ट होगा कि इनके धड़े हैं, और धड़े हैं तो फिर ये लोगों के लिए क्या करेंगे, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं और कुछ नहीं है, और इनके हाथों में पंजाब का विकास होना असंभव है अगर ऐसा ही रहा तो। कल सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि कृषि कानून अगर हमारी सरकार आई तो हम कृषि कानूनों को लागू नहीं होने देंगे, हम चाहे अपना सर भी कलम करें। नहीं, अगर आज ये चीज बोल रहे हैं कि हम अपना सर कलम कर देंगे, पहले ये बोले, पहले अभी तो ये कह रहे हैं ना कि हम लागू नहीं होने देंगे, लागू ये हुए कानून बने किसकी वजह से? अरे भाई, आप ही तो थे वहाँ पे मीटिंग में जब ये कानून बन रहे थे, आप ही तो साइन करके आए हो, आप ही की वजह से तो बने हैं। अब लोगों को आप बुद्धू बना रहे हो, आप मूर्ख बना रहे हो लोगों को, आप बीच में बैठे थे जब ये बन रहे थे, तब क्यों नहीं विरोध किया आपने, तब BJP के साथ नाता तोड़ा है, जब सारे किसान आपके गाँव बादल में आपके घर के आगे आके बैठ गए, तब आपने ये BJP का साथ छोड़ा है, पहले क्यों नहीं छोड़ा, और पहले क्यों नहीं बोले इन बिलों के विरुद्ध के नहीं, ये जो बिल है ये किसानों के विरुद्ध है, पहले क्यों नहीं बोले, और आज कह रहे हैं हम सर कलम कला करवा देंगे। कोई बात नहीं, फ्यूचर पड़ा ही है, पहली बात तो इनकी सरकार ही नहीं आनी है, फिर भी अभी आप कर लो, कुछ करना तो आपके हाथों में है, कर सकते हो आप, BJP को अब भी बोल सकते हो, बोलिए आप, पहले उनके आपके भाई वाल रहे हैं, अब भी शायद आपकी थोड़ी बहुत तो सुनते ही होंगे ना, क्यों हर जगह BJP लीडरों का विरोध हो रहा है, यही तो कारण है। सो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, अगर होना ही होता तो पहले क्यों नहीं कर दिया, जब आपके हाथ में पावर थी, आप BJP के साथ थे, तब क्यों नहीं कर दिया, जस्ट एक बहाना और कुछ नहीं है ये।